गाइस यहाँ पे मैंने ली है कि एक कोल्हापुरी जुत्ती और एक और जुत्ती, क्योंकि मुझे साड़ी पे पहनना है। वैसे ज़्यादातर मैं जुत्ती पहनती हूँ। कहाँ से निकले थे हम लोग? और यहाँ पे तो पैदल ही चलते चलते हमारा काम बन जा रहा है। और चलते हैं घर पे, देखते हैं लड्डू क्या कर रहा है। हमको लगा भैया है ये कार में। तो गए यहाँ हम लोग आ गए हैं ट्रेंड में, और ट्रेंड से मैंने लिया एक शर्ट और इन्होंने लिया है अपने लिए जीन्स। अच्छे अच्छे कलेक्शन है, मुझे तो अच्छे लगे थोड़े बहुत। और हम लोग को तो अब ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। तो चलते हैं यहाँ मैं। सो गाइज अभी पैंट लेकर के हम लोग आ गए हैं ऑल्टर करने। तो यहाँ अंकल से ऑल्टर करा रहे हैं एंड ऑल्टर करा के जाएंगे। मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अंकल एकदम फटाफट से कट कट करके और ऑल्टर करते जा रहे हैं। सो गाइज यहाँ मैं निकल गई थी अभी बाहर। एक्चुअली मेरे स्किन में कुछ कुछ इरिटेशन हो रहा है और जब भी मैं कुछ लगा रही हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे प्रॉब्लम होते जा रहा है। तो मैं चली गई थी पार्लर, मुझे हेयर कट करना था बट हेयर कट तो हुआ नहीं। तो मैं वहाँ पे गई, फिर मैं उनसे कंसल्ट की और फिर उसके बाद से। सो गाइज इसमें जो जो स्टेप होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या किया। वैसे तो बहुत कुछ, मतलब ऐसे मैं बोली मेरे स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उतना हैवी नहीं करना। तो यहाँ पे ये कुछ प्राइमर वगैरह लगा रही हैं, बट उससे पहले इन्होंने क्लीन अप कर लिया था। तो मैंने थोड़ी देर बाद शूट करना स्टार्ट किया था, मैंने बोला कि मैं अब कर लेती हूँ। और कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे स्किन में, तो मैं जाऊंगी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उसके बाद से मैं चेक कराऊंगी। तो फिलहाल ये मुझे थोड़ा ऑयली मेकअप चाहिए था तो ऑयली मेकअप कर रहे हैं। और मेरा कोई भी क्रीम मुझे सूट नहीं कर रहा था तो मैंने बोला कि आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर दो। तो उन्होंने किया फिर मेरा, और फिर मैं आपको फाइनल लुक लास्ट में दिखाऊंगी। उसके लिए वीडियो आप लोग देखते रहो। और एनिवर्सरी खूब सारा सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। आई होप आप लोग भी वीडियोस को पसंद कर रहे हो, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो देखते रहो वीडियोस को। और यहाँ पे उन्होंने कुछ लाइट सा फाउंडेशन, मैंने बोला था कि मुझे ओवर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए जो थोड़ा सिंपल सिंपल रहे येट एलिगेंट रहे। तो उन्होंने मेरे को ऐसे प्राइमर से सेट किया, उसके बाद नॉर्मल फाउंडेशन लगाया उन्होंने, ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी फटाफट से। और यहाँ पे ये मेरे आई शेडो बोल सकते, आई शेडो लगा रहे थे। और मुझे बहुत न्यूट सा चाहिए था बिकॉज डे की पार्टी थी और मुझे ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए था। प्लस मैं मतलब सिंपल से उसके लिए गई थी और साड़ी मैं पहनने वाली थी, तो मैं उसके लिए मैंने बोला कि आप नॉर्मल सिंपल से ही करो ताकि मतलब ज़्यादा ओवर ना लगे। और मुझे वैसे कराना नहीं था लेकिन मैं गई थी कट कराने, फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है करा ही लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ बिकॉज स्किन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, मैं वहीं पे पार्लर कर लेती हूँ। फिर घर के से साइड में ही था तो मैंने वहाँ पर किया और फटाफट से निकले हम लोग यहाँ पर। आई शेडो ये मेरा अभी तो आई थिंक ये आई शेडो ही कर रहे हैं, उसके बाद से इन्होंने आईब्रो वगैरह किया मेरा।